ओके बच्चों आप ज़रा इधर देखो, 11 मीटर के साथ अगर सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाई जाए, सीरीज में क्या लगाई जाए, हाई रेजिस्टेंस, तो बन जाता है मल्टीप्लायर। क्या बन जाता है? मल्टीप्लायर। अब ये जो वोल्ट मीटर होता है ये सर्किट में कैसे लगता है? तो ये लगता है पैरेलल। अच्छा दिलचस्प बात है, एम मीटर कैसे बनाते थे? कि गैल्वेनोमीटर के साथ एक स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं तो एम मीटर बनता है, लेकिन एम मीटर सर्किट में सीरीज में लगता है और इसी तरह वोल्ट मीटर सर्किट में पैरेलल लगता है। अब गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर के डिफरेंस देखें तो ऑफकोर्स गैल्वेनोमीटर का एक ही काम है करंट मेजर करना, वोल्ट मीटर सिर्फ वोल्टेज मेजर करता है। अब सर्किट के अंदर गैल्वेनोमीटर और एम मीटर दोनों सीरीज में लगते हैं, वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में किस में लगता है? पैरेलल लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस होती है आमतौर पर 10 से 100 होती है, वोल्ट मीटर आइडियल हो तो इन्फाइनाइट वरना बहुत हाई होती है थाउजेंड्स में। ओके जी, मैग्नेटिक फील्ड में ही सिर्फ गैल्वेनोमीटर वर्क करता है, वोल्ट मीटर की कहानी एम मीटर की तरह मैग्नेटिक फील्ड में भी कर सकता है, विदाउट मैग्नेटिक फील्ड के भी कर सकता है। अब एक बार एग्जामिनर ने कन्फ्यूज किया था, कैसे? उसने कहा था कि गैल्वेनोमीटर तो डायरेक्ट करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर क्या करता है? तो एक ऑप्शन में था डायरेक्ट करंट, एक में था डायरेक्ट करंट एज वेल एज इनडायरेक्ट करंट, एक में था नो करंट। तो असल आंसर नो करंट था। कुछ बच्चे जज्बाती हो गए जब यहाँ डायरेक्ट देखा तो एक दुनिया इनडायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो भाई वोल्ट मीटर का तो मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ, उसे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, करंट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है।